स्टूडेंट्स अगेन वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ रिसर्च अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म देखे, एग्जाम स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कोई ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के बारे में आप क्लियर कर सकते हैं सेंटेंस राइट है और रॉन्ग है, यानी वह या तो राइट हो या तो रॉन्ग हो, तो उस कंडीशन में वह स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसमें ड्यूल नेचर होगा यानी राइट और रॉन्ग दोनों संभावना बन रहे, तो उसको आप स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट आपसे कहा जाए किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू सेंटेंस है, यानी यह स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे यह कहा जाए किसी ट्राइंगल में ट्रू साइड का सम तीसरे वाले साइड से ग्रेटर होता है, जो कि ट्रू है, 2 + 3 इज लेस इज ग्रेटर देन 7, ये आपका फॉल्स है, रॉन्ग है। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉन्ग सेंटेंस या एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स हो उसे आप सेंटेंस कहेंगे। और एग्जाम क्या है? एग्जाम या एग्जाम को प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यह एक ऐसा एक ट्रू स्टेटमेंट है। और वही पोस्टुलेट्स क्या होगा? जब उसको ज्योमेट्री के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वह पोस्टुलेट हो जाएगी, अभी अपने आप में प्रूविंग यानी इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जबकि थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम या पोस्टुलेट की आवश्यकता पड़ती है, इनकी सहायता से आप थ्योरम को प्रूव करते हैं। जैसे कहा जाए सन राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, या ट्रू स्टेटमेंट है, यानी एक एग्जाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब चीजें देखी गई थी प्रीवियस क्लास में। आइए अब कुछ और इसमें टर्म है उनको जाना जाए, सम टर्म से रिलेटेड टू ज्योमेट्री। इसमें टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन है। टू पॉइंट, पॉइंट क्या है? पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट को कोई एग्जैक्ट लोकेशन, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं होता है, इसको पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, पॉइंट बी पॉइंट ए ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या है? द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए, स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वो रे क्या होगा? अगर लाइन सेगमेंट किसी एक डायरेक्शन को उसको और एक्सटेंड कर रहा है तो वे को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट कैन फंक्शन। और लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज द रे ए बी। अब इसमें डायरेक्शन क्या जगह ध्यान देंगे, इसमें ऐसे ए इस पर लगाएंगे, ए बी के ऊपर यहाँ पर एरो नहीं है, उसको किसी एक डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर रहे हैं। ए बी या लाइन सेगमेंट है, जब इसको एक्सटेंड कर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि लाइन क्या है? जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो, और लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली बोथ द डायरेक्शंस इज कॉल्ड द लाइन। अब इसकी दोनों तरफ आप एरो लगाएंगे, सपोज दैट लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको इधर भी एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली और इधर भी एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली तरफ, तो इस कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन। हाफ लाइन, हाफ लाइन क्या हो जाएगा? कोई लाइन ए बी गिवन है, इसके बीच में कोई पॉइंट सी ले लिया जाए, तो इस कंडीशन में सी ए हाफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और सी बी भी हाफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इंसिडेंस एग्जाम ऑफ लाइन्स, इसमें भी कुछ टर्म तैयार रखेंगे। अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, किसी भी लाइन को आप ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है। कोई लाइन आपका ए बी, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर यह लाइन बना रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। सेकंड थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, कोई पॉइंट गिवन है इससे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पास करेंगे, ऐसे भी लाइन पास पास कर सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस
इस पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो अगेन पॉइंट अनएक्टिव मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, वहां से अनएक्टिव मेनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स से एंड बी, यदि टू गिवन पॉइंट से पास करने वाला केवल और केवल एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक से अधिक लाइन नहीं कर सकते हैं। इन सब टॉपिक को आप याद रखेंगे और इसका नोट आप बना लेंगे। नेक्स्ट आपका है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर थ्री आर मोर देन थ्री लाइंस, सॉरी थ्री आर मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन, देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। यानी थ्री या थ्री से मोर लाइन पॉइंट्स हो, अगर एक ही लाइन पर लाइ कर रहे हैं, एक ही लाइन से पास आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो लाइन जो भी पॉइंट पास आउट कर रही है, उस कंडीशन में पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। इसको आप फिगर से समझो, सपोज दैट ए बी सी डी, ए बी सी डी ये लाइन जो है ए बी सी डी से पास आउट कर रही है, तो क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये पॉइंट ऐसे हैं पी क्यू आर एस, इस कंडीशन में कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, इन पॉइंट से कोई एक लाइन पास आउट नहीं करेगी, कोई लाइन ड्रा करेंगे जिस पर सभी पॉइंट लाई नहीं करेंगे। अगर सभी पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस सपोज दैट टू नॉन पैरेलल लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन ए डी एंड सेकंड सी डी, एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और केवल केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो किसी प्लेन में टू नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो इस कंडीशन में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर, यही आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको पा सकते हैं। नेक्स्ट है कंफ्लुएंट लाइंस। कंफ्लुएंट लाइंस कंफ्लुएंट लाइंस तो कंफ्लुएंट में क्या होता है, एक जगह मिलना, आप सुने होंगे संगम, तो संगम चौराहा, संगम में क्या होता है, यहां आप गए होंगे तो वहां सुना होंगे संगम, तो वहां पर क्या होता है, तीन नदियां एक साथ एक जगह मिलती हैं, एक जगह से पास करते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे जगहों को आप क्या बोलेंगे, कंक्लुएंट, कंक्लुएंट पॉइंट। तो कंक्लुएंट लाइंस क्या है, अगर थ्री आर मोर देन थ्री लाइंस किसी एक ही पॉइंट से पास आउट करें, इस कंडीशन में लाइन क्या होंगे, कंक्लुएंट लाइन, सी बी सी डी ई एफ एक कंक्लुएंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, और यह पॉइंट जो होगा आपका कंक्लुएंट पॉइंट, कंक्लुएंट पॉइंट। इसको बोलते हैं हिंदी में संगामी रेखा, जहां पर संगम, जहां पर एक साथ मिल है, वही आपका होगा कंक्लुएंट पॉइंट, और ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे, कंक्लुएंट लाइंस। यानी जब मोर, जब क्या हो, टू थ्री आर मोर देन थ्री लाइंस एक ही पॉइंट से पास आउट करें, तो ऐसे लाइन को आप कंक्लुएंट लाइंस कहेंगे, और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो कंक्लुएंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लेन,
प्लेन, ध्यान देंगे प्लेन क्या है, आपका यह बोर्ड है यह भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लेन क्या है, अगर प्लेन पर कोई दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, तो इसका प्रत्येक पॉइंट से कोई लाइन होता है, इस लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे, तो प्रत्येक पॉइंट इसी सरफेस पर यानी इसी बोर्ड पर लाइन करेगा। किसी प्लेन में टू पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, उस लाइन का प्रत्येक पॉइंट उसी प्लेन में लाइन करेगा। अगर उसी प्लेन में लाइन लगे तो प्लेन होगा ही नहीं, यानी इस पर देख सकते हैं जो भी लाइन ड्रा करेंगे टू पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इस कंडीशन प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का प्रत्येक पॉइंट उसी सरफेस पर लाइन कर रहा, तो ऐसे सरफेस को आपका बोलेंगे प्लेन। पैरेलल लाइंस तो पैरेलल लाइंस क्या है, जब टू ऐसे टू लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना कर रहे और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहे, इनके बीच का डिस्टेंस जहां भी रहे वो कांस्टेंट रहे, इक्वल रहे, तो ऐसे लाइंस को आप क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं हम, तो ये सब टर्म आप इनका नोट बना लेंगे, इनको याद रखेंगे। थैंक यू।